हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप फोटोशॉप में पोस्टर बनाइए, तो इस करके हम फोटोशॉप में पोस्टर बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने कोरल ड्रा में इसका पोस्टर बना दिया है, जो होली 2023 आने वाली है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का पोस्टर बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा फोटोशॉप 7.0 यहाँ पे ओपन है, आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइल में आपको जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाएगा, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन, और यहाँ से आपको कोई साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं 5x7 का यहाँ पर साइज़ ले लेता हूँ, और रेजोल्यूशन इसका 300 करेंगे, और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कर देंगे वाइट, ठीक है। उसके बाद में इसका टाइटल भी हम दे देते हैं होली, ठीक है, होली 2023, ठीक है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक नई फाइल आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पहले एक बैकग्राउंड फिल करेंगे। तो बैकग्राउंड फिल करने के लिए एक तो आप बैकग्राउंड डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं फोटोशॉप से, और या फिर आप सिंपल सा गूगल क्रोम से भी आप बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ बैकग्राउंड मैंने नेट से भी डाउनलोड किया था, तो उसी का हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, और ये फाइल हमारा डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। इस बैकग्राउंड को यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड, और ओके कर दूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद में सिंपल सा आपको ऐसे ड्रैग करना है इसको। तो ड्रैग करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि, तो चलिए हमारा बैकग्राउंड रेडी है। अभी यहाँ पे लेयर में देख सकते हैं दो लेयर यहाँ पे है, इसको दोनों को हम मर्ज करेंगे, लेयर वन और बैकग्राउंड को कंट्रोल ई कर देंगे, तो ये मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला है, तो अब हम इसी में सारा मैटर को टाइप करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले एक PNG लगाएंगे जो कि हमारी होगी, उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा, तो कंट्रोल ओ करेंगे, और यहाँ से हम कोई PNG इंसर्ट कर लेते हैं। तो PNG इंसर्ट करने के लिए आप अपने PNG लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक फ़ोटो यहाँ पे है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से शिफ्ट की सहायता से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और उसके बाद में कॉर्नर पर ले जाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ी सी तिरछी लग रही है, तो कंट्रोल प्लस टी करेंगे, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है, सीधी हो गई। और अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, हमने फ़ोटो को ऑलरेडी ड्रैग कर लिया है, ठीक है। और ये बहुत सारी PSD हैं जो पिछले साल हमने होली की बनाई थी, तो इसी में से कुछ हम मैटर को कॉपी करेंगे, और उसके बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आप मैटर जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे हिंदी में कुछ टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, आप सभी को जो सामान्यतः लोगों को यही सब लिखा जाता है पोस्टर बैनर में और फ्लैक्स में यूज़ किया जाता है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। देखिए यहाँ पे ये ड्रैग कर लिया है, और उसके बाद में अब आप ये कमेंट ना करें कि आप डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट बना रहे हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, तो अभी हम यहाँ समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं, आपका भी और हमारा भी, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिया है, और उसके बाद में ये जो होली लिखा हुआ है ये भी हिंदी में लिखा हुआ है, और कौन सा फॉन्ट है यह मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कौन सा फॉन्ट है। तो कीबोर्ड में टी प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर की प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं भारतीय हिंदी फॉन्ट 053 यहाँ पर यूज़ किया गया है, और ये नॉर्मल है, और इसका जो साइज़ है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बाई चांस फॉन्ट चेंज करना है तो पहले आप इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और उसके बाद में आप यहाँ पे जाएंगे और एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड में जो एरो का बटन होता है उसको आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ से देखिए इसका जो है फॉन्ट चेंज होता नज़र आएगा आपको, ठीक है।
तो मुझे कुछ ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है और मैं इसको यहीं पे ओके कर दूंगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, आप कंट्रोल ये करें और यहाँ से कलर की प्रॉपर्टी में जा करके इसका कोई कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लाइक दिस, मैं ये वाला कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, कलर चेंज हो गया, लेकिन ऊपर का कलर और नीचे का कलर दोनों सेम लग रहा है, इसलिए हम इसको कंट्रोल जेड कर देंगे। ठीक है, और हार्दिक बधाई, ये सभी हम यहाँ से बारी बारी से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लगभग में हमारा कुछ मैटर यहाँ पे क्लियर हो गया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें अपना नाम लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये वाला जो इमेज है इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी जो फर्स्ट इमेज आपकी जो है उसके ऊपर अगर आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जिसके ऊपर आपको उसको रखना है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट को इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। और अब क्या करेंगे, इसका नाम हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट टूल पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इनका हम नाम लिख देते हैं। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एरियल सिलेक्ट कर लेना है, ARIAL। ठीक है, एंटर कर देंगे और उसके बाद में हम जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है वो डाल सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट हम लिख देते हैं और डॉट लगाएंगे, उसके बाद में हम मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे, जैसे हमारा 85 95 63 12 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की सहायता से इसको हम छोटा करेंगे। इस तरह से आप डायरेक्ट भी इसका साइज वहां से प्रॉपर्टी से आप बढ़ा सकते हैं, यहां से 26 है तो इसको आप 30 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। कलर की बात रहेगी, कलर आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने से पहले हम एक यहाँ पे शेप को इंसर्ट करेंगे, तो कीबोर्ड में यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शेप का जो प्रॉपर्टी है एक्टिव हो जाएगी और यहाँ से हमको शेप लेना है ये वाली। ठीक है, ये वाली शेप लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी जो हमारी शेप कलर, जो हमारी शेप का कलर रहेगा वो रहेगा ब्लैक, देखिए, लेकिन हम चेंज करने वाले हैं तो हम कलर लेंगे यहाँ पे ब्लू, ये वाला कलर। ठीक है, या फिर पिक करना चाहते हैं तो आप पिक कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला कलर हमने पिक कर लिया। और उसके बाद में यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, और अब जो हमारा फोन नंबर है इसी के ऊपर हम रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी इसके नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से इसको हम ड्रैग कर देंगे और इसके बाद में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे वाइट या फिर येलो कर देंगे, जो भी कलर आपको सूट करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम येलो कर दिए हैं। और आप व्हाट्सएप का आइकन या फ़ोन का आइकन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट में हम थोड़ा सा कम कर देंगे, कॉन्टैक्ट को हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे और डॉट यहाँ पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद में जो हमारा व्हाट्सएप का सिंबल होता है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, ओपन, और यहाँ से व्हाट्सएप का जो PNG है हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं ओपन। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट की सहायता से हम छोटा करेंगे, एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। आपको थोड़ा सा ब्लैक एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ब्लैंक एरिया, जो कि यहाँ पे हम कुछ इंसर्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम इसको पहले डिलीट करेंगे। होली से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, जैसे ये वाला हम ये जो शायरी से लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और अब शिफ्ट की सहायता से इसको हम बड़ा कर देंगे इस तरह। ठीक है, इंसर्ट हो गया और ये भी बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम कुछ दूसरा बैकग्राउंड को यूज करेंगे। तो ओपन पे क्लिक करेंगे,
एंड इसका कंट्रोल वो से शॉर्टकट है इसका, और यहाँ से ये वाला पीएनजी हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये सब पीएनजी आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप बहुत इजी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शिफ्ट की सहायता से इसको हम छोटा कर लेंगे शिफ्ट की सहायता से, और यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रैग करके इसमें ले आएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप चाहें तो ऊपर हैप्पी होली लिख सकते हैं, या होली मुबारक हो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अब हमको इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको सीधा फाइल में जाना है, और यहाँ सेव एज मिल जाएगा आपको, सेव एज, ठीक है। और यहाँ फोटोशॉप लिखा हुआ है तो फोटोशॉप में ही रहने दें, अगर आपको एडिट करना है तो फोटोशॉप में रहने दें, या फिर आप जेपीजी बना लें इसको। तो पहले मैं फोटोशॉप में कर लेता हूँ होली 2023, और यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव हो गया, उसके बाद में हम इसका जेपीजी फाइल बनाएंगे। तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव एज पे फिर से जाएंगे, और अब यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है जेपीजी, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा जेपीजी, और यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, और यहाँ क्वालिटी इसकी रख दीजिए लार्ज फाइल में, यानी यहाँ 12 तक है तो 12 तक ही रख दीजिए, और यहाँ ओके कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारी होली का जो पोस्टर हमारा तैयार हुआ है डेस्कटॉप पे, हम ओपन करके देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। तो हमारा होली का जो पोस्टर है कुछ इस तरह से यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसी तरह से और भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसका पीएसडी फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके लोगों को बधाई दे सकते हैं, और कस्टमर का भी आप फ्लैक्स या बैनर पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी होली।